टैक्सी में सुहीन सो हुआ एंट्री, एंटर होते ही सामने लग रही बोर्ड, कौन सी फ्लाइट कब आ रही है, कब जा रही है, कितना टाइम चेक इन में बच रहा हो, ये सब कौन सी डिले हो रही है, ये सब यहाँ पे लिखो रहा है। वाके बाद में जानो पड़े अपनी एयरलाइंस के काउंटर पे, जैसे मेरो स्पाइस जेट सो टिकट है तो स्पाइस जेट को काउंटर है सी, सामने स्पाइस जेट लिख भी रही है, और ये सारी जो कोटा की सी भीड़ पड़ रही है, यू स्पाइस जेट को ही मारा है, हीन तेल चीनी और गेहूँ सब ही नहीं बट रहा, हीन अपना ले ला के राशन पानी है अपनी चेक इन करवा के, और यू बड़ो बैग रह जावा ही नहीं, ट्रॉली बैग छोटा बैग है ये दे दे वहाँ, वो कंधा का टांग के ले जाके रखनो रहे अपनी शीट के ऊपर फ्लाइट में ही, वहीं पे एक बॉक्स बनो रहा है। ये भैया यहाँ हाथी है तो मैं भी जाके गैल फोटो खिंचवा लूँ। भाई जैसे ही मैं बाहर टैक्सी में सू उतर गाड़ी में सू, यू ठेली ले ली मैंने सामान धरन लू, और भाई मैंने लगाया मैं जोर, पहिया जाम हुए पड़ा है दोनों, मैं अभी गड़बड़ सी में हो, हड़बड़ी सी में ध्यान ना दियो, पता चली कि यू तो नीचे लू दबानो पड़ा है जब ब्रेक हटाया पहिया उनको। खैर अब तो पता चल गया यह बात की, पर जोर बहुत लगवाया यार शुरू शुरू में, कुछ बात इनकी पता ना रहा है, बाद में ही तजुर्बा होगा आसान हो वहाँ चीज। सिक्योरिटी चेक, ये जी सिक्योरिटी चेक इनके बाद एयरपोर्ट के अंदर के नजारे, फुल्ली हर चीज यहाँ पे है भाई, घड़ी बैग जूता चप्पल खेल खिलौना लत्ता सब सौदा है, पूरे शॉपिंग मॉल के जैसा, लेकोस्टे है, टॉमी हिलफाइगर, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, सारे के सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रांड है। अभी मेरो गेट नंबर है 42C, 42C के थ्रू में लगो भाई, बन्नो सुनते हैं भाई, गरीब आदमी रेल में ज़्यादा रहा, भीड़ बढ़ी या वजह से रहा है, जनरल कोच हो स्लीपर हो लगभग थर्ड एसी में भी खूब भीड़ बढ़ रहा है, तो प्लान बढ़िया रहा है भाई, थोड़ी देर में बैठा और थोड़ी देर में उठ जाए, प्लेन में भी कोई कम ना भीड़ की, इन भी चेक इन की लाइन बहुत लंबी रहा है, और जैसे ट्रेन लेट हो वैसे प्लेन भी हो है। अभी मैं तो दौड़म दाड़ी सी में आया हो, अब यहाँ का पता चली प्लेन भी 3 घंटा लेट, अब भाई 3-3 घंटा को टाइम कैसे, बस अब ऐसे ही है, दोला फिर सी चली रहेगी, और हीन तो भाई चील गाड़ी ऐसी खड़िया एक बितलो जैसे उन हड़म तिपहिया, मैं चप्पल पहन के आया हूँ, चप्पल पहन के आया कोई बड़ो काम ना है, हमने तो यूपीएससी पेपर भी चप्पल पहन पहन के दे रखो, तो मैंने नुखे भाई मो पाम धोना, क्या व्यवस्था है नमाज पढ़ने के लिए यहाँ, माशाल्लाह बहुत उम्दा बहुत उम्दा। वज़ू खाना है भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह,
ये नमाज के लिए स्पेस है। मेरी फ्लाइट है गेट नंबर 42C स्पाइस जेट की। तो ये स्पाइस जेट की फ्लाइट है, कैंसिल हो रही है अभी। कैंसिल है मतलब डिले है, नहीं चल जाना पड़ेगा। स्पाइस जेट की तो अच्छा, स्पाइस जेट की बस खड़ी है, स्पाइस जेट की गाड़ी है ग्राउंड फोर्स की। ये फ्लाइट कहाँ है? देखिए, बड़े इंतजार के बाद बोर्डिंग का मौका मिल रहा है भाई। मैं तो इधर बैठूंगा। आहा, मिल गई सीट। वहाँ बहुत देर हमने लगाई है इंतजार में। पहुंच गए भाई, ये पीछे आगे प्लेन और हम यह बस में आए। हम पीछे यू बस लाई है, अब यहाँ के बाद यह प्लेन में जाऊंगा बैंगलोर। फ्लाइट का नंबर है 8151। देखा भाई मेरी तो है 29B सीट, पता ना 29B सीट कितनी साइड में, खिड़की साइड आ जाए तो ज्यादा बढ़िया। बैठो भाई ड्राइवर। अच्छा मजे B किधर है? वो बहुत लंबी है, नंबर बहुत ही लंबी है। ಏನ್ಸರ್ ಇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ ಮುಗೀತು, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ ಬರ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಡೌಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ ಮುಗೀತು, ನಿಮ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಡೌಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. हम आपका और अपने स्पाइस क्लब मेंबर्स का स्पेशल फ्लाइटर 8851 पर स्वागत करते हैं। दिल्ली से बेंगलुरु तक की दूरी 2 घंटे और 30 मिनट में पूरी की जाएगी। इस फ्लाइट पर आज हमारे साथ है कैप्टन करण प्रताप सिंह और फर्स्ट ऑफिसर भाविक। आपकी कैबिन टीम में आज मोइन सीनत प्रख्यात है और मैं जल्दीन आपकी सीनियर कैबिन क्रू हूँ। हम आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए मौजूद है, धन्यवाद। We regret the inconvenience caused due to this delay. It is a delight to have you on board SpiceShip Flight SG8151 from Delhi to Bengaluru. A special welcome to our Spice Club members traveling with us today. Our flight time will be for 2 hours and 30 minutes. This flight is under the command of Captain Karan Pratap Singh. Second in command is First Officer Bhavik. Your cabin team today is Moe, Sinath, Prakyat. और इंडियो हो जाए यार।
एम पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। कन्वेयर नंबर 9। ओहो, मेरा बैग सबसे साथ में। ये बेंगलुरु का केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत शानदार एयरपोर्ट है। और मौसम, हवा ऐसी लग रही है शायद नवंबर के महीने में ऐसा कल की ठंडी हवा निकल चला है, वैसी सर्दी लगा रखी भाई। ये बस स्टॉप है एयरपोर्ट के बाहर, और एयरपोर्ट से जहां मैंने जाना है देवराई बिशन हली, वो जगह है टोटल 30-32 किलोमीटर दूर, और टिकट है भैया 270 रुपये को। 30 किलोमीटर के लिए 270 रुपये, आज तक उतनी महंगी कभी टिकट ना खरीदी। सुनी सुनी बेंगलोर महंगी सिटी है, जो इतनी महंगी है देखो, 270 रुपये की टिकट सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी। मौज दीख है, साल भर रोजे रखने पड़ जाते हैं शहर में रहते रहते, हिसाब किताब कुछ महंगो ही दिख रहा है यहाँ को सारो। हाँ, बट सिटी एकदम सही है, वेदर कंडीशन फुल्ली लाइक यूरोपियन, हल्की हल्की हवा ठंडी और ड्रिजलिंग टाइप की कुछ फुहार सी है बारिश में। हाँ बट एकदम देखो भाई, अभी आज तो पहली सुबह है, आँख खुलते हैं 270 की पर्ची कटी है। बस भी साफ सुथरी है, कहीं दिलवा गुट का पान मसाला कुछ नहीं है, थुकन थड़ी। वाह, 270 रुपए की टिकट के मजे ले जाएंगे भाई। उधर ताज पैलेस है सामने होटल। ओके, आओ। वो मनोज आप होटल के मैनेजर है? हम नहीं है मैनेजर, हम तो काम करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, मैनेजर अभी आएंगे 10 बजे के बाद। ओके, अरे किचन ग्राउंड फ्लोर पे। ओके ओके, नो इश्यू। रूम नंबर 206। यस ओके। इधर ठिकाना रहने वाला। इंटरकॉम नीचे रिसेप्शन का नंबर वगैरह ये सब क्या है? हम बता दें, सब बता दें। ये आपका टीम यहाँ रखी। ओके। ओके सर, आपका जगह मिला तो देखिए।
ठीक है ये आपका हॉट वाटर के लिए है सर, ये हॉट वाटर के लिए है, 10 मिनट का करीब हॉट वाटर आना हो जाएगा, गीजर बंद कर, हां गीजर, अच्छा ठीक है, ये दो लाइट है एक साइड, ठीक है ओके सर। टीवी का क्या है? टीवी का आपका रिमोट उधर है, देख लीजिएगा अभी चार्ज में कि नहीं है, है तो 9 में कॉल करिएगा, 10 बजे के बाद मैनेजर सर आ जाएंगे आपका रिचार्ज कर देगा, तो खाली आपका फ्री चैनल रहेगा, कोई इशू नहीं है। और दूसरी चीज है अगर आपको लंच और डिनर करना होगा तो 102 में कॉल करना होगा, लेकिन मेनू रखूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है ओके सर, ठीक है 102 में, और मेरे से काम है अगर रिसेप्शन में काम है आपको 9, ठीक है मैं आता हूँ फ्रेश होकर थोड़ा ब्रेकफास्ट भी तब कर लो। अच्छा अच्छा ठीक है, अरे इधर बहुत छोड़ो, इतना मतलब नहीं है कुछ।